अब ये नहीं है, वो कोई दाना होना नहीं है कि उनके मुंह से आग निकल रही है। आग क्या है ये समझना कि मुंह से आग निकलने का मतलब क्या है। आग सही में आग निकल के भस्म नहीं कर रही है। इन चीजों को जरा समझना है कि आग जो है वो है क्या। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद के विषय में, उसके 17वें भाग के विषय में सीखा था, परंतु आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11:11 उसके 4 पद से लेकर 6 पद तक के विषय में सीखेंगे। यहां पर हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके वैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 गवाह हैं, ये क्या हैं? ये जैतून के जो 2 पेड़ हैं, परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, इनका यहां है जैतून के 2 पेड़। पहली चीज 4-6 पदों में जो लिखा हुआ है, जैतून के 2 पेड़। दूसरा है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तीसरा है उनके मुंह से आग निकलकर उनके वैरियों को भस्म करती है। चौथा है उनके पास अधिकार है बहुत सी विपत्ति लाने के। पहला हम पढ़ेंगे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट। इन गवाहों को जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट कहा गया है। बहुत ध्यान करने की बात है, जैतून के 2 पेड़, ये दोनों गवाह उस जीवित और सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समक्ष जो हैं वो खड़े रहते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी जो प्रभु है, जो प्रभुता करता है पृथ्वी पर, उसके सामने खड़े रहते हैं। अब जकरिया 4:11-14 पद तक आप पढ़ सकते हैं। जकरिया 4:3 में दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर, जो ये भविष्यवक्ता है। अब देखिए इन 2 गवाहों को कहां दिखाया जा रहा है? स्वर्ग में दिखाया जा रहा है, और जकरिया जो है इन 2 गवाहों का दर्शन जो है वो पा रहा है। प्रकाशित वाक्य में इन 2 गवाहों को पृथ्वी पर दिखाया जा रहा है, और वो पृथ्वी पर रहकर जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु जकरिया जो है इन 2 गवाहों का जो दर्शन देख रहा है वो स्वर्ग में देख रहा है। स्वर्ग में जो पवित्र स्थान था जहां पर दीवट रखे होते थे, 7 दीवट जो थे वो रखे होते थे उनके दाहिने और बाएं ओर। एक परमेश्वर का गवाह दाहिने खड़ा है, एक परमेश्वर का गवाह बाएं खड़ा हुआ है जो उसको देख रहे हैं। किसके पास खड़े हुए हैं ये जरा ध्यान दे। जब आप प्रकाशित वाक्य 1:12-19 पद तक पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि यीशु मसीह उन सब 7 दीवटों के बीच में खड़ा है। ये बड़ा ध्यान करने की बात है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य भी परमेश्वर ने किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। जब आप प्रकाशित वाक्य 1:1 पद पढ़ेंगे, और यीशु मसीह ने अपने दूत को दिया, और दूत ने जो है यूहन्ना को जो है वो दिया है। ये जो गवाह हैं, जो यीशु मसीह जो है उन 7 दीवटों के बीच में है, फिरता है, तो एक यीशु मसीह के दाहिने और एक यीशु मसीह के बाएं खड़ा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब आप मती 17:1-5 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ना, यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ, चेहरा जो है उसका बदल गया, तो मूसा और एलिया जो है उसके दाहिने बाएं खड़े उससे बातचीत कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 1:20 के अनुसार जो है ये 7 दीवट जो हैं ये 7 कलीसियाओं को प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, 7 कलीसियाओं को जो प्रकट करता है, जो हमने यिर्मयाह 2:13 पद में जो बात करी थी कि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां करी हैं, कि मुझ
बहते जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद बना लिए, टूटे फूटे हौद बना लिए। तो ये जो हौद है ये कलीसिया को दर्शाई जाती है, परंतु यहां पर जो कलीसिया है ये वो कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाई जाती है, जिसके दहने और बाएं ये खड़े हुए हैं। इन बात को बहुत गहराई से समझने की बात है। और दीवट के ऊपर क्या रखा जाता है? दिया रखने का स्थान है। तो ये दो गवाह जो हैं ये कहां खड़े हैं? उस दिए के स्थान पर खड़े हैं जहां ये दीवट रखे हुए हैं। और दिया क्या है? दूसरा पत्रस एक अध्याय उसका 19 पद, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। ये देखिए, ये भविष्यवक्ताओं का जो वचन है ये दिया है, और ये दिए का यानी दीपक का काम करता है, यानी उस समय जो है जो ये भविष्यवाणी करेंगे ये बहुत से लोगों के लिए तो दीपक का काम करेगा, परंतु बहुत से लोगों के लिए विनाश का काम जो है वो करेगा। परंतु ये उस समय तक, ये दिया उस समय तक चमकता है जब तक यानी हमारे जीवन में वो अंधेरा नहीं होने देता है। जब अंधेरा हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, अंधकार मिल जाता है, लिखा ना जब तक पौ ना फटे, पौ ना फटने का मतलब है कि जब तक सुबह ना हो जाए तब तक ये दिया जो है हमारे जीवन में चमकता है, और भोर का तारा जो है वह हमारे जीवन हमारे हृदय में चमकना उठा है। भोर का तारे का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। जब आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया, यानी वो हमारे हृदय में जो है वो चमक उठे। परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रकाशित वाक्य 2:28 पढ़ेंगे कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा। तो ये भोर का तारा जो है यीशु मसीह स्वयं को हम पर प्रकट करेगा, हमें अपने आप को जो है वो दे देगा, और हम परमेश्वर के लोग जो है वो कहलाए जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। ये दो गवाह जो हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, जो 1260 दिन तक अर्थात 1260 दिन तक या 3.5 वर्ष तक जो है भविष्यवाणी करते रहेंगे। भविष्यवाणी का वचन जो है, जैसा अभी हमने कहा कि वो एक दीपक है, और वो दीपक जो है कहाँ चमकता है? अंधियारे में चमकता, हमारे अंधियारे रूपी जीवन में जो है वो चमकता है परमेश्वर का वचन जो है। जब आप भजन संहिता 119 उसका 105 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है वह हमारे लिए दीपक है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है और हमारे मार्ग में जो है वो उजाला करता है। और ये जो भविष्यवाणी है ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर पूरी होती है। और लिखा हुआ ना कि वो जो दो गवाह, जब हम 5वें पद को पढ़ेंगे कि उनके मुंह से आग निकलकर बैरियों को क्या करती है? नष्ट करती है। अब ये नहीं है, वो कोई दाना ओना नहीं है कि उनके मुंह से आग निकल रही है। आग क्या है ये समझना कि मुंह से आग निकलने का मतलब क्या है? आग सही में आग निकल के भस्म नहीं कर रही है, इन चीजों को जरा समझना है कि आग जो है वो है क्या। आप यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा? यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरा वचन क्या है? आग है परमेश्वर का वचन। अब ये आग जो है परमेश्वर ने रखी कहां है? बड़ा समझने वाली बात है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 12 से 14 पद तक, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुन्दर पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुन्दर पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। देखिए परमेश्वर का वचन कहीं विदेशों में नहीं फैला हुआ है, परमेश्वर ने बहुत दूर या समुद्र के पार से परमेश्वर के वचन को नहीं लाना है, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे मुंह में डाला है, हमारे निकट है, हमारे मुंह में डाला है। परंतु हम लोग सुनना किसकी वचन पसंद करते हैं? जब कोई विदेशी आता ना वो सुनाने लगता है, उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान करते हैं।
मगर हम ये नहीं समझते कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हमने अपने आप को समर्पित किया तो परमेश्वर का वो वचन एक दीपक का काम हमारे जीवन में करता है, पर्सनली हमारे तौर पर हमारे जीवन में करेगा। क्यों? क्योंकि हम जब उस वचन को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे मुंह में परमेश्वर उसको डालता है और वो हमारे जीवन में जो है वो दीपक का काम करता है, हमारे जीवन में वो एक आग का काम करता है। आग का काम करने का मतलब आप जो कहेंगे वो आपके लिए पूरा होगा। बहुत सी चीजें जो हैं भस्म जो हैं वो हो जाएंगी परमेश्वर के वचन से। लिखा रोमियो 10:8 पद में भी पौलुस भी यही कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे बहुत निकट वरन हमारे मुंह में है, मगर हमारे मुंह में दिखाई नहीं देता है कि जो परमेश्वर का वचन आप बोलेंगे वो पूरा होगा। और परमेश्वर का वचन जो है वो एक आग के समान जो है वो काम करता है। ध्यान करें, एक आग के समान, इनके मुंह से आग निकल रही है, वो आग नहीं है, वो सही में परमेश्वर का वचन निकल रहा है। उनके इनके मुंह से आग निकलकर वो उनके बैरियों को जो है वो भस्म कर रही, वो उनके मुंह से जो वचन निकल रहा है कि आकाश से पानी ना गिरे तो पानी नहीं गिरेगा, उनके मुंह से वचन निकल रहा है कि पृथ्वी का सारा पीने का पानी लहू बन जाए तो वो लहू बन जाए, या सारा पानी लहू बन जाए तो वो लहू बन जाएगा। तो जो वो वचन अपने मुख से निकालेंगे वो पूरा होगा, वो चीज है जो परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां जब हम पढ़ेंगे कि उनको अधिकार दिया गया है, अभी पद 6 को जब प्रकाशित वाक्य 11:6 को पढ़ेंगे कि उनके मुंह से जो उनके मुंह में परमेश्वर ने वचन रखा वो वचन जो है वो पूरा होता है। ये ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके निकट बना होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके घर में आपके परिवार के लोगों में बना होना चाहिए। मगर अगर परमेश्वर का वचन नहीं बना है, हमारे मुंह में नहीं है, तो फिर हमारा मसीह होना या हमारा परमेश्वर को मानना सब कुछ व्यर्थ है। और हम व्यर्थ ही अपने आप को मसीह कह रहे हैं, इससे कोई नहीं है। क्योंकि जब आप पहला राजा 17:1 पद पढ़ेंगे तो एलिया ने इस बात को कहा कि बिना मेरे कहे जो है वो पानी नहीं बरसेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। जी हाँ, जब तक वो जो है वो नहीं कहेगा। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहला राजा 18:1 में जब एलिया ने कहा तो पानी बरसा। आप पहला राजा 18:37-38 पद भी पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने जब कहा आकाश से आग गिरे तो आग गिरी। जब एलिया ने कहा, परमेश्वर का वचन क्योंकि उसके मुंह में था, उसके निकट था, उसके अंदर समाया हुआ था। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर समाया होता है तो हम जो कुछ भी कहेंगे वो पूरा हो जाएगा, मगर बुराई के लिए नहीं, किसी के बुरे के लिए नहीं, भले के लिए। परंतु यहां अंतिम समय है जो ये भविष्यवाणी कर रहे थे, इनके मुंह से आग निकलकर इनके बैरियों को भी भस्म कर रही है। अब पहला राजा 17:24 उसके 24 पद को जब आप पढ़ेंगे तो जो एक स्त्री थी उसने एलिया से क्या कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। एक स्त्री गवाही दे रही है उस एलिया की कि मैं मानती हूं इस बात को, यह सच है कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से जो परमेश्वर का वचन निकलता है वो सच होता है। और सच होकर यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है, आपके अंदर समाया हुआ है, और जब वो आप बाहर निकालेंगे तो वो पूरा हो गई होगा। और यहां पर जो है ये जो दो गवाह जो परमेश्वर के सामने समक्ष हमेशा 24 घंटे विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, ये दो गवाह जब इस पृथ्वी पर भेजे गए तो परमेश्वर का वचन इनके मुंह में समाया हुआ था, ये जो कुछ भी कहते थे वो पूरा होता था। ये ध्यान करने की बात है, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है मूसा के द्वारा। दो गवाह अंत के दिनों में, ये दो गवाह जो है 3.5 वर्ष तक जो जो भविष्यवाणी करेंगे वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी होगी। जैसे मूसा ने जो है निर्गमन 7:19-20 तक पढ़ेंगे कि मूसा ने क्या करा, जल को लहू में बदल दिया। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर का जन था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह में अपना वचन डाला था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज आपके मुंह में परमेश्वर का वचन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आज आपका आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का वचन समाया हुआ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये दो गवाह जो हैं ये वहां पर सारी दुनिया देखेगी
कि परमेश्वर के इन दो गवाहों के मुंह से जो भी परमेश्वर का वचन निकलेगा वो कैसे पूरा हो रहा है। और परमेश्वर का वचन आज भी पूरा होता है, ये नहीं है कि उस समय, मगर जिसके अंदर समाया है उसके अंदर से पूरा होता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में लें और इन दो गवाहों के समान अभी से उस परमेश्वर के वचन को अपने मुख से निकालें ताकि वो पूरा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और सब पे प्रभाव डालता है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।